नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25x70 के एक घर डिज़ाइन की बात करते हैं जो कि एक मॉडर्न स्टाइल में हमने बनाया है। दोस्तों ये घर हमने बहुत ही मिनिमलिस्टिक और बहुत ही मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है और कम से कम बजट में इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस घर के फ्लोर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एलिवेशन के बारे में बात करेंगे और इस एलिवेशन में यूज़ करे हुए मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसके एलिवेशन को आपको वॉक थ्रू दिखा देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस तरीके का एलिवेशन हमने बनाया है, किस तरीके के डिटेल्स हमने इसमें इस्तेमाल करी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एलिवेशन देखने के बाद हम एक बार इसके प्लान को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर हम इसके मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्लॉट की जो विड्थ है वो 25 फीट है एंड इसकी जो डेप्थ है एक साइड से वो 70 फीट है एंड दूसरे साइड से ये 84 फीट है, क्योंकि फ्रंट में जो स्ट्रीट है वो थोड़ी टेढ़ी है। फ्रंट में हमने 26 फुट का ओपन स्पेस छोड़ा है सो दैट वो एज ए पार्किंग स्पेस यूज करा जा सके एंड थोड़ा सा ग्रीन लॉन इसमें प्लान किया जा सके एंड फ्रंट एरियाज़ में लिविंग डाइनिंग एरियाज़ में वेंटिलेशन यहाँ से आ सके। दोस्तों आप भी कोशिश कीजिएगा जब भी कोई घर डिज़ाइन करते हैं या आप अपना खुद का घर बनाते हैं तो आगे थोड़ा ओपन स्पेस छोड़े, इससे घर में जो है विला की फील आती है एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो राइट साइड में हमने दो कार पार्किंग का स्पेस दिया है जिसके लिए सेपरेट एक मेन गेट बनेगा एंड यहाँ पे पेडेस्ट्रियन एंट्री के लिए हमने एक सेपरेट डोर प्लान किया है। इसके लेफ्ट साइड में पूरा ये स्पेस ग्रीन स्पेस हमने प्लान करा है सो दैट आप छोटे ट्रीज में लगा सके, घास वगैरह उगा सके, सेंस ऑफ ग्रीनरी आपके घर में आ सके। उसके बाद आप मेन डोर से एंटर करते हैं तो ये स्टेयरकेस का एरिया है जो कि एज ए एंट्री लॉबी भी काम करता है। इससे आप यहाँ से ऊपर चले जाते हो एंड यहाँ पे ये मेन डोर लगा है जिससे आप घर के अंदर आ सकते हो। जैसे आप एंटर करते हैं आप लिविंग स्पेस में एंटर करते हो जो कि 13 फीट बाय 23 फीट है। इसी के साथ में हमने कंबाइंड डाइनिंग भी प्लान किया है सो दैट सेंस ऑफ ओपन स्पेस आए एंड घर जो है बड़ा लगे। उसी के साथ में हमने किचन हमने डिज़ाइन किया है 11 फुट बाय 10 फुट का, जिसके साथ हमने एक ब्रेकफास्ट काउंटर प्लान करा है
सो दैट अगर सुबह आपको नाश्ता वगैरह करना है, कॉफ़ी वगैरह पीना है, तो आप फटाफट ब्रेकफास्ट काउंटर पे कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया में हमने एक वॉश बेसिन प्लान किया है सो दैट आप खाना खाने से पहले आराम से हाथ धो सकें। एंड इसी के साथ में हमने एक मंदिर प्लान किया है। दोस्तों घर को हमने दो पार्ट में डिज़ाइन किया है। एक पार्ट फ्रंट की तरफ है जो पब्लिक स्पेस है, आपका फैमिली स्पेस है। एंड बैक साइड में हमने थोड़ा प्राइवेट स्पेस प्लान किया जहाँ पे हमने बेडरूम्स वगैरह प्लान करे हैं। लिविंग डाइनिंग से आप बेडरूम की तरफ एक कॉरिडोर के थ्रू जाते हो जो कि 5 फीट वाइड है। इसी कॉरिडोर में आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है 7 फीट 8 इंचज़ बाय 5 फीट का। एंड राइट साइड में इसके हमने एक स्टोर प्लान किया सो दैट आप ऐसा सामान इसके अंदर रख सकते हो जो आपके डेली यूजेस का नहीं है, जो आप कभी कभी इस्तेमाल करते हो। इसी कॉरिडोर में एक हमने स्टोरेज स्पेस प्लान किया जिसको आप एज ए एक्स्ट्रा स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला सामान, डेली यूजेज का सामान आप इसमें रख सकते हो। इसके राइट साइड में हमने एक यूटिलिटी प्लान किया है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन वगैरह आ जाएगा, आइनिंग वगैरह करने का स्पेस आ जाएगा जो कि 6 फुट 8 इंच बाय 5 फीट का है। पीछे हमने दो बेडरूम प्लान करे हैं। एक हमारा मास्टर बेडरूम है 11 फुट 1 इंच बाय 15 फुट 8 इंच का, जिसके अंदर एक बेड के साथ साथ हमें थोड़ा सिटिंग स्पेस भी मिल जाता है। बेड के बैक साइड में हमने वार्डरोब प्लान करी है एंड एक साइड में हमने ड्रेसिंग प्लान किया है। यहाँ पे आप अच्छा सा मिरर लगा के एज ए ड्रेसिंग इसको यूज कर सकते हो। बेड के सामने हमने टीवी प्लान किया है। मास्टर बेडरूम से अटैच करता हुआ हमने एक टॉयलेट प्लान करा है जो कि 9 फुट 1 इंच बाय 5 फुट का है। एंड दूसरा जो बेडरूम है वो 12 फुट बाय 12 फुट का है। एंड इसी के साथ हमने वार्डरोब यहाँ पे प्लान करी है। दोनों ही बेडरूम को बैक साइड से वेंटिलेशन अच्छा खासा मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने पीछे 7 फुट का ओपन स्पेस दिया है। एंड इस स्पेस में आप चाहे तो ग्रीनरी प्लान कर सकते हो, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो, या फिर आपको अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज बनानी है या फिर आपको यूटिलिटी के तरीके से यूज करना तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान की। फर्स्ट फ्लोर पे हमने इसको पूरा कवर नहीं किया है बिकॉज 3 बेडरूम ही रिक्वायरमेंट है। फ्रंट में हमने एक बेडरूम प्लान किया है जिसके साथ ही पूरा वार्डरोब आपको मिल जाता है एंड इसका जो वेंटिलेशन है फ्रंट साइड से हो जाता है। इसी के साथ में एक अटैच बैल्कनी भी है। इसी बेडरूम से अटैच होता हुआ एक स्टडी रूम है जिसको एज ए ऑफिस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके अंदर बुकशेल्फ वगैरह प्रॉपरली प्लान करा है, एक स्टडी टेबल है एंड स्टोरेज है एंड एक सिटिंग एरिया है सो दैट आपको कभी काउच पे बैठ के बुक पढ़नी है या फिर आपको कॉफ़ी पीनी है साथ में बैठ के तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं। साथ ही में इसके एक टॉयलेट है जो कि इससे अटैच्ड है 6 फुट 8 इंच बाय 6 फुट 8 इंच का, जिसका वेंटिलेशन टेरेस की तरफ है। स्टडी रूम के सामने पूरी एक बड़ी विंडो दी है जिसके अंदर ग्लास के ही डोर्स हमने प्लान करे। सामने की तरफ हमने ग्रीन स्पेस प्लान किया है। बैक साइड में पूरा हमने ओपन टेरेस प्लान किया है। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने 1 BHK प्लान किया है वो हमने फ्रंट की तरफ रखा है सो दैट एलिवेशन में हमें वो प्रॉपर हाइट मिल जाए और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। बैक साइड के टेरेस में आप चाहो तो इसको ग्रीन स्पेस भी बना सकते हो, टेरेस गार्डन भी प्लान कर सकते हो, एक सिट आउट भी प्लान कर सकते हो। दोस्तों ये तो हमारे फ्लोर प्लान्स हो गए। एक बार इसके एलिवेशन के मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलिवेशन को बहुत ही मिनिमलिस्टिक हमने प्लान किया है, बहुत ही कम मटेरियल्स का यूज़ किया है, ग्रेन वाइट एंड थोड़ा सा वुड का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ करा है। स्टेयरकेस की जो ममटी है उसमें हमने ग्रे टेक्सचर पेंट यूज़ किया है। विंडो को हमने बहुत ही पतला और लंबी विंडो हमने प्लान किया है सो दैट एक एलिगेंट सा लुक आ जाए एंड इसी के साथ में हमने यहाँ पे CNC जाली प्लान करी है। आप चाहे तो इसको माइल्ड स्टील में बनवा सकते हो या फिर आप सीमेंट बोर्ड भी यूज कर सकते हो। इसी जाली का एक हिस्सा हमने यहाँ पे प्लान किया है। रेलिंग्स हमने सिर्फ ग्लास की प्लान की है सो दैट ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड बहुत ज़्यादा मेटल का यूज़ हम ना करें इसके अंदर। फ्रंट साइड में हमने कोई क्लैडिंग नहीं की है, ये सिर्फ वाइट पेंट है, नॉर्मल प्लेन वाइट पेंट। यहाँ पे हमने स्टोन यूज़ किया है, आप चाहो तो टाइल्स भी यूज़ कर सकते हो। इस पैटर्न में आपको टाइल्स आराम से मार्केट में मिल जाएगी। बेल्कनी के बॉटम पे हमने HPL यूज़ किया है सो दैट एक सेंस ऑफ वुड भी इसके अंदर ऐड हो जाए, ब्राउन कलर इसके अंदर थोड़ा ऐड हो जाए। मेन गेट्स हमने MSK ही प्लान करे हैं और इसी के अंदर हमने CNC का सेम डिज़ाइन डाल दिया है सो दैट पूरे एलिवेशन में एक ही थीम को फॉलो किया जाए। बाउंड्री वॉल को बहुत ही यूनिक बनाने की कोशिश की है, इसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से नीश डिज़ाइन की है। दोस्तों नीश बहुत ही अलग लुक दे देती है किसी भी एरिया को एंड कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ती पड़ती है। नीश पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।